तो क्लास 10 के अंतर्गत आजकल हम लोग विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। लेसन जो है 9 का अध्ययन कर रहे हैं। ये 9 नंबर आपका लेसन है और वीडियो नंबर आपका 5 है। पाठ्यक्रम प्रश्न 1 से 65 से शुरू करने हैं। प्रश्न एक आता है कि वह कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो आप इसमें उत्तर में कह सकते हैं कि निम्नलिखित तरीके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। प्राकृतिक चयन, देखिए प्राकृतिक चयन में आप क्या बता सकते हैं कि प्रकृति द्वारा लाभप्रद विविधताओं वाली समष्टि के सतह बनाए रखना प्राकृतिक चयन कहलाता है। वे लक्षण जो किसी व्यक्ति जीव के उत्तर जीविका तथा प्रजनन में लाभप्रद होते हैं अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं, परंतु जिससे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे जो लक्षण होते हैं संतति में नहीं जाते हैं। अनुवांशिक विचलन भी आप बता सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अनुवांशिक विचलन में कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी समष्टि के ज़्यादातर जीव मर जाते हैं। ऐसे स्थिति में जीव सीमित रह जाते हैं। इसके कारण उस समष्टि का रूप बदल जाता है तथा उसकी संतति में केवल जीवित सदस्यों के लक्षण ही दिखाई देते हैं। उसे अनुवांशिक विचलन कहा जाता है। चलिए प्रश्न 2 है कि एक एकल जीव द्वारा, समझना ध्यान से, कहता है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण समानता अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता है, क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख रहे हैं ना। कहता है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जो होते हैं समानता अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, क्यों? तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में आप बता सकते हैं कि जो उपार्जित लक्षण का प्रभाव कायिक ऊतकों पर पड़ता है, परंतु अर्जित लक्षण अनुभव का जनन कोशिकाओं के डीएनए पर नहीं पड़ता है, अतः ये लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जो ये लक्षण होते हैं वो वंशागत नहीं चलते, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं चलते हैं। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा नंबर है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से होता है, देख रहे हैं ना। तो यह भी एक बात आपका है, आपके पास ये आ गया है क्वेश्चन कि बाघों की जो लगातार संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से में चिंता विषय क्यों है, चिंता का विषय क्यों है? समझ रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि बाघों की संख्या घट रही है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि जो बाघों की संख्या में कमी दर्शाने का बाघ प्राकृतिक चयन में पिछड़ गए हैं, इनमें उत्तम परिवर्तन नहीं हो रहे हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल और अपनी समष्टि का आकार बढ़ा सकें। यानी बाघों की संख्या में कमी के कारण पहला तो आप यही बता सकते हैं कि जो बाघ हैं वह जैसे प्रकृति बदल रही है, वातावरण बदलता है, उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या संसार में नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि जब अनुकूल आप होंगे नहीं तो आपको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं, आपका विकास होगा नहीं और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपके आने वाला जो वंश होगा वह वंश प्रगति नहीं कर पाता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। दूसरा बता सकते हैं कि छोटी समष्टि पर दुर्घटनाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीव कोई आवृत्ति को भी प्रभावित कर सकते हैं, चाहे उसका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ हो या ना हो, ये भी देख सकते हैं। यानी कुछ कारण जरूर होते हैं जिसके कारण लगातार बाघों की संख्या कम होती चल जाइए, इसको भी आप बता सकते हैं। अब हम लोग अगला जो पाठ्यगत प्रश्न होता है अपनी संख्या 166 उसके पास चलते हैं। प्रश्न ये कहता है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं, देख रहे हैं, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं प्राकृतिक चयन, और दूसरा लिख सकते हैं कि जीन प्रवाह का न होना अथवा बहुत कम होना, तीसरा आप लिख सकते हैं अनुवांशिक विचलन, चौथा आप लिख सकते हैं डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना जिससे कि दो समष्टियों के सदस्यों को जनन युग्मन संलयन न कर पाए।
और पांचवा कह सकते हैं कि दो उप समष्टियों का रूप अलग होना जिससे कि उनके सदस्य परस्पर लैंगिक प्रजनन न कर पाए। चलिए अब प्रश्न दो के पास चलते हैं हम लोग। कहता है क्या भौगोलिक पृथकीकरण स्वपारगित स्पीचीज के पौधों के जात उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है क्या भौगोलिक पृथकीकरण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? हाँ, आप बता सकते हैं, हाँ भौगोलिक पृथकीकरण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण है, क्योंकि अलग अलग पौधों की स्पीसीज में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ के कारण भिन्न भिन्न भिन्नताएँ होती है। जीन प्रवाह का स्तर दो समष्टियों के मध्य और भी कम हो जाएगा। उसके बाद आगे आप इसमें कह सकते हैं कि इसीलिए वे दूसरे के साथ जनन करने के अयोग्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या तीन कहता है क्या भौगोलिक पृथकीकरण अलैंगिक जनन वाले जीव के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, आप इसके उत्तर बता सकते हैं नहीं, भौगोलिक पृथकीकरण अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अलैंगिक जनन वाले करने वाले जीवों में बहुत कम विभिन्नताएँ होती हैं अब आइए पाठ्यगत प्रश्न 171 के पास हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका हम दो स्पीसीज के विकसित संबंध निर्धारित के लिए करते हैं। तो बता सकते हैं समजात अंगों की उपस्थिति समय दो स्पीसीज के सदस्यों में विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। उसके बाद से आप उदाहरण बता सकते हैं पक्षियों सरीसृप व्योम जल स्थलचर की तरह स्तनधारियों के चार पैर होते हैं, सभी में पैरों की आधारभूत संरचना एक समान होती है परंतु कार्यों में भिन्न होते हैं, ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। याद करो सभी माने जो होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, सबका निर्माण एक समान अधिकार अलग अलग हो तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। ये अभिलक्षण इंगित करते हैं कि ये समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। प्रश्न दो है क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं होते हैं, वे समरूप अंग हैं जो उड़ने का कार्य करते हैं। कारण तितली के पंखों की संरचना चमगादड़ के पंखों से बिल्कुल भिन्न होती है, हालांकि समान एक समान होना चाहिए। चमगादड़ के पंख में अग्रपाद की उंगली की हड्डियाँ होती है जबकि तितली के पंख में हड्डियाँ नहीं होती है। अब आइए जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम को विषय में क्या दर्शाते हैं? तो आप तनियाते हैं जीवाश्म के बारे में देख लेते हैं। लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीव के परिरक्षित कठोर अवशेष चट्टानों पर पैरों के निशान मिट्टी बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। यानी जो जमीन से खोदा जाता है, जो ढांचा निकलता है, जो मनुष्य का एक रूप निकलता है, इसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म में जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें बताता है। पहला, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु लुप्त हो गई। दूसरा, ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीव को उनसे विकसित उच्च वर्ग के जीव के कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोपरेक्टिक्स जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप के कुछ लक्षण जो होते हैं सरीसृप के होते हैं तो अन्य लक्षण पक्षियों के, इसलिए इसको सरीसृप पर पक्षियों के बीच की कड़ी कहते हैं और यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुई है। और तीसरा, ये बताते हैं कि फासिल पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं, इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाते हैं, जीवाश्म के अपेक्षा अधिक नए हैं या पुराने। उसके बाद से पाठ्यगत प्रश्न 173 को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो 173 में आप बता सकते हैं कि क्या कारण है कि आकृति आकार के रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। कुछ
करें कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहाँ रह गए। वे अलग अलग देशों के वातावरण में फैल गए, जिनके कारण उनका आकार, आकृति, रंग रूप भिन्न हो गया। इन विभिन्नताओं के बावजूद वे परस्पर सफल लैंगिक जनन करने में समर्थ है तथा बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन्हें हम एक स्पीसीज के सदस्य कहा जा सकता है। और विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाश्म मकड़ी, मछली तथा चिंपेजी में किसका साड़ी का विलुप्तता में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। जीवाणु मछली मकड़ी तथा चिंपेजी में साड़ी का विकल्प की जटिलता सबसे अधिक है। चिंपेजी का साड़ी डिजाइन विकसित साड़ी अंग संस्थान मस्तिष्क का जीवाणु मकड़ी मछली साड़ी विकसित होना तथा हाथों में अंगूठे की अंगुलियाँ के विपरीत होना, जिससे वह चीज़ें पकड़ सके, और लक्षण उसके बाकी सभी से उत्तम बना देते हैं। हालांकि विकास की दृष्टि में अति उत्तम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सरलतम अभिकल्प कर वाले जीवाणु का समूह विभिन्न पर्यावरण में आज भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु आज भी विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका के बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह नहीं कहा जा सकता है कि चिंपेजी को साड़ी का विकल्प अनुमे से उत्तम है, वरना यह जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज होते हैं। इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।